Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो इस समय क्या होता है कि सब जो गर्ल्स होती हैं उनको नेल एक्सटेंशन कराना पड़ता है, और काफ़ी शहरों में ये अवेलेबल हो जाता है नेल एक्सटेंशन, बट कई जगह पे हमें ये अवेलेबल नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है कि गर्ल्स चाहती नहीं है कि हम लॉन्ग टाइम के लिए एक्सटेंशन करा लेंगे, क्योंकि उनको फिर रिमूव कराने का चक्कर भी रहता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल्स नेल्स आते हैं जिनको हम लोग परचेज़ कर सकते हैं, और उनकी लास्टिंग 6 to 7 days की होती है। तो 6 to 7 days के हमारा वर्क मेनली रहता है शादी के बाद से। उसके बाद तो क्या, हम लोग अगर चाहें तो उनको रीयूज़ भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उनके बदले नया भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो अपने पार्लर में ब्रांड यूज़ करते हैं वो लिक ब्रांड है, जो कि प्रेसो नेल्स के नाम से होता है। तो इस तरह से मैंने नेल्स मंगवाए हुए हैं अपने पार्लर के लिए। अगर कोई ब्राइड चाहती है कि हम नेल एक्सटेंशन करें, तो हम उनको ये वाले नेल्स प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि नेल एक्सटेंशन का वर्क हम अपने पार्लर में नहीं करते। तो इसके लिए हम लोग इस तरह से नेल्स लगा के रखे हुए हैं। तो इनमें बहुत सुंदर सुंदर कलर्स आते हैं नेल्स में, तो जैसे आपकी ड्रेस की मैचिंग का कलर आप ले सकते हैं। तो इनको लगाने का फ्रेंड्स एक प्रोसेस भी होता है कि हमें किस तरह से लगाने ताकि ये लॉन्ग टाइम स्टे करे, तो वो प्रोसेस मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि इनको हमें अपने फिंगर्स पे फिक्स कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, इस तरीके से इसकी पैकेजिंग होती है, और ये अलग अलग कलर्स में आते हैं। तो आपको कोई भी कलर जैसे आपको अच्छा लगे आप उसको ले सकते हैं। ब्राइड्स को ज़्यादातर मैरून कलर पसंद आता है, क्योंकि उनके लहंगे मैरून शेड के होते हैं। तो इसमें क्या, देखिए ऑप्शन भी दिए हुए हैं। आप जैसे ये वाले लगा के, और थर्ड फिंगर के ऊपर आप जैसे ग्लिटर वाला लगा सकते हैं, स्टोन वाला लगा सकते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं लगाने के बाद। तो मैं आज आपको जो दिखाने जा रही हूँ ब्लू नेल्स के ऊपर बता रही हूँ कि ये वाले कैसे हमें लगाने हैं। प्रोसेस सबका सेम है। इस तरह से हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। तो इसमें ये एक्स्ट्रा नेल्स होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, तो इस शेप के अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करने होते हैं। और इसमें इस तरह से सामान भी निकलता है, जिसमें कि बफर, क्यूटिकल रिमूवर स्टिक, और एक पैड होता है जो हमें हमारे नेल्स को ड्राई कर देता है, ताकि ये उसके ऊपर फिक्स हो सकें जो नेल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सेलेक्ट करेंगे अपने नेल्स के अकॉर्डिंग शेप को। तो इस तरह से हम नेल्स को निकाल लेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं इस फिंगर के लिए देख रही हूँ, तो ऐसे मैं इसको लगा के देखूंगी इस तरह से, इस तरह से। तो ये बिल्कुल फिट आ रहा है, देखिए आप इस तरह से देखेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। हम इसको लगा सकते हैं इस फिंगर के ऊपर, तो इसको हम ऐसे रख देंगे अलग से। अब थंब का देख लेती हूँ, थंब के लिए भी ये मेरा ठीक है, थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ढूंढ लेती हूँ अगर कोई बिल्कुल ठीक मिलता है तो। ये थोड़ा बड़ा है, वही वाला बेटर था, तो हम ये वाला लगा देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बेटर है, उससे ठीक आ रहा है, तो मैं ये वाला लगा लेती हूँ थंब पर। इस तरह से हम लोग अपने नेल्स के अकॉर्डिंग चेक करते जाएंगे, और एक लगाते जाएंगे लाइन से इस तरह से, ताकि हमें बाद में उठा के लगाने में परेशानी ना हो। तो जो जो मेरे को ठीक लग रहे हैं वो मैं निकाल रही हूँ अपनी फिंगर के अकॉर्डिंग। 4 हो गए, ये ठीक है, देखिए इस तरह से हमारे 5 हो गए। तो मैंने ऐसे रो में लगा दिया इनको। अब मैं इनको एप्लीकेशन करने का तरीका बताऊंगी, कैसे एप्लीकेशन करनी है। अब हम इस पैकेट को ओपन करेंगे। इसमें ये शेप देने के लिए हमें बफर दिया हुआ है, जिसको कि हमें क्या करना है कि हमें जो ये लेयर है ना हमारे नेल के ऊपर, इसको हमें रिमूव करना है। 1 या 2 लेयर रिमूव करेंगे हम इसके ऊपर से। तो इस तरीके से हम लोग नेल को फाइल करेंगे। इस तरह से हम इसकी एक लेयर को क्लीन कर देंगे। अभी देखिए साइड पे आपको लग रहा है, दिख रहा है अभी है, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप सारे नेल्स के ऊपर से क्लीनिंग कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से मैंने अपने सारे नेल्स के ऊपर से जो फर्स्ट लेयर थी और सेकेंड लेयर थी, उसको अच्छे से रिमूव कर दिया। अभी क्यूटिकल स्टिक जो है, इससे हम लोग क्या करेंगे, क्यूटिकल को पुश करेंगे।
इस तरह से ताकि हमें स्पेस मिले नेल को एक्सटेंड करने के लिए। इस तरह से हम लोग नेल्स को अपने क्यूटिकल्स को पुश कर देंगे पीछे की साइड। और अच्छे से क्लीन कर देंगे। इस तरह से हम लोग अपने सारे नेल्स को क्यूटिकल्स जो हैं उनको रिमूव करेंगे। इस तरह से मैंने सारे क्यूटिकल्स को पुश करके पीछे कर दिया है और क्लीन कर दिया है अच्छे से। अब जिसका नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा तो इसके अंदर इस तरह से एक पैड आता है, इसे नेल प्रेप पैड कहा जाता है। ये प्री एप्लीकेशन होती है इसकी। तो बस इसमें एक यही कमी है कि ये पैड जो होते हैं केवल दो ही देते हैं हम लोगों को। इस तरह से पैड निकाला और हमको हर नेल के ऊपर से अच्छे से रिमूव कर लेना है जो भी हमने जो डस्ट निकली थी अभी क्लीन करते समय। इस तरह से अब देखिए इससे इसके बाद हमारे जो नेल्स हैं वो ड्राई भी हो चुके हुए हैं ताकि हम लोग नेल्स की एप्लीकेशन कर दें। इस तरह से हम लोगों ने नेल्स को क्लीन कर दिया। एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है कि जो हमारे नेल्स हैं वो हमारी स्किन के पास ही हों बिल्कुल, मतलब नेल नहीं होना चाहिए। नेल को पूरा कट कर देंगे आप, ठीक है, बिल्कुल नेल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने क्लीन कर लिया अच्छे से नेल्स को। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको दिखाती हूँ कि हमने ये चेक कर लिया था कि हमारा कितना आ रहा है। इसके बाद जो इसके ऊपर स्ट्रिप लग रही है हमें ये स्ट्रिप हटानी है। इस तरह से ये हटाई हमने। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे पीछे की साइड धकेलते हुए लगा देंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे। प्रेस करके अच्छे से हम लोग इसको इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे ताकि इसके अंदर एयर ना रुके। अगर एयर आ जाएगी तो ये निकल जाएगा, अगर एयर नहीं आई तो ये आपका आराम से 8-9 डेज स्टे करता है। मैं इसको पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। 8-9 डेज ये आपके हैंड्स पे स्टे करेगा। इस तरह से हम लोग अच्छे से प्रेस कर देंगे, इसको दबा के रखेंगे सब तरह से ताकि सब तरफ से जो एयर है वो निकल जाए और नेल हमारा प्रेस होके वहाँ पे स्टे कर जाए। इस तरह से हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई। अब हम लोगों ने इस तरह से हमने लगा के रखे तो हमें कितना इजी है कि हम लोग उठा रहे हैं और बस लगा रहे हैं, नहीं तो उस समय अगर चेक करते रहेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। इस तरह से दूसरा निकाला हमने। इस तरह से आगे से पुश करते हुए पीछे की साइड लेके जाएंगे इस तरह से और अच्छे से इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद दबाएंगे सब साइड से। इस तरह से अच्छे से प्रेस करके हमने सारे नेल्स अपने लगा लिए हैं। अब आप देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम लोग आर्टिफिशियल नेल्स को एप्लीकेशन करेंगे। और ये आपको सारे डिज़ाइंस दिखाए मैंने जो इस ब्रांड में होते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा होते हैं, टोज के लिए भी आते हैं ये जो नेल्स होते हैं, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से बहुत सुंदर दिखते हैं नेल्स। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।